कोरोना काल की दुनिया में लोगों की काफी आदतें बदली हैं। क्लासरूम की जगह कंप्यूटर स्क्रीन आ गई तो घर का ड्राइंग रूम दफ्तर बन गया। बाजार में जाकर शॉपिंग करने की जगह ई कॉमर्स कंपनियों का इस्तेमाल होने लगा। इन सब के साथ एक और आदत जो कोरोना काल में बड़े पैमाने पर बदली है वो है खान पान की आदत। दरअसल कोरोना ने लोगों को सेहत के मामले में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा जागरूक और सतर्क किया है। अब लोग देर से सोने की जगह जल्दी उठकर कसरत कर रहे हैं, जंक और फास्ट फूड की जगह हेल्दी फूड ले रहे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों ने सुबह जल्दी उठकर योग, एक्सरसाइज और वॉक करना शुरू कर दिया है। बाहर के खान पान की जगह घर में बने खाने को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। साथ ही एलोपैथी दवाओं की बजाय अब लोग काढ़ा, गर्म पानी, हल्दी दूध जैसे देसी नुस्खे अपना रहे हैं। इसकी वजह से कई तरह के कारोबारों को बढ़ावा मिला है और कुछ को नुकसान हुआ है। जो लोग बेहतर फिटनेस के लिए जिम में पैसा खर्च करने से परहेज नहीं करते थे, उन्होंने अब सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से साइकिलिंग को अपना लिया है। इससे साइकिल की बिक्री बढ़ी है, जबकि जिम का कारोबार सुस्त पड़ गया है। इसीलिए इसका चलन जिम के मुकाबले काफी बढ़ गया है। देसी दवाओं का इस्तेमाल बढ़ने से एलोपैथिक दवाओं की बिक्री घटी है। पहले जहां ज्यादातर लोग मामूली बुखार में पैरासिटामोल लिया करते थे, अब वो देसी दवाओं का रुख कर रहे हैं। मार्च से पहले के मुकाबले पैरासिटामोल की खपत आधे से भी कम हो गई है। एलोपैथिक में केवल विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स की मांग पहले के मुकाबले बढ़ी है। अब जुखाम, खांसी या बुखार आने पर लोग गिलोय, तुलसी, मुलैठी का काढ़ा, हल्दी दूध और गर्म पानी स्टीम लेना पसंद कर रहे हैं। इसके असर से आयुर्वेद के मार्केट को बड़ा फायदा मिलना तय है। क्यूआर रिसर्च के मुताबिक 2020 में आयुर्वेद का ग्लोबल मार्केट 4,571.1 मिलियन डॉलर का था। 2021 से 2026 के दौरान इसके सालाना 12% की दर से बढ़कर 5,172.7 मिलियन डॉलर का हो जाएगा। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाने पीने के सामान का मौजूदा बाजार 15.4 अरब डॉलर का है, जो 2025 तक सालाना 7.6% की दर से बढ़ेगा। आयुर्वेद के सामानों का निर्यात इस साल सितंबर में 45% बढ़ गया था। कोरोना काल में साफ सफाई और खान पान को लेकर भी लोगों में जागरूकता बढ़ी है। कुछ भी खाने से पहले हाथ धोना लोगों की आदत का हिस्सा बन गया है। इससे मास्क और सैनिटाइजर की काफी मांग बढ़ी है। इसके अलावा बाहरी जंक फूड और फास्ट फूड की बजाय वो घर में बने शुद्ध खाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। गर्मी के मौसम में लोगों ने जुकाम और खांसी जैसी परेशानियों से बचने के लिए फ्रिज के पानी, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों से परहेज करना शुरू किया। इसके अलावा बाजार में सर्जिकल आइटम जैसे पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर की भी मांग बढ़ी है। कोविड के बाद लोग हेल्थ पॉलिसी को लेकर भी सजग हुए हैं। इससे हेल्थ पॉलिसी की बिक्री में काफी इजाफा हुआ है। लोगों की जरूरत और मांग को देखते हुए बीमा नियामक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट यानी इरडा के निर्देश के बाद सभी बीमा कंपनियों ने कोविड को भी कवर करना शुरू कर दिया है। सामान्य हेल्थ पॉलिसी के अलावा केवल कोविड को लेकर भी कई पॉलिसी लोग खरीद रहे हैं।